सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाले है न्यू गन के ऊपर कि यहाँ पर जो न्यू गन हमारी फ्री फायर में आई है AUG नाम से, उसकी यहाँ पर हम टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ओपी वाली यहाँ पर तीन आपको टिप्स एंड ट्रिक देंगे इस गन से रिलेटेड, और इस गन की आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कि इस गन में कौन कौन सी यहाँ पर पावर, नॉन स्किन में भी यहाँ पर अच्छी खासी पावर दी गई है, सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। बट गाइज, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको ये जो मेरी वीडियो है उसको एंड तक देखना पड़ेगा। अगर एंड तक देखते हो तो यहाँ पर जो तीनों टिप्स एंड ट्रिक है इस गन से रिलेटेड वो आपको पता चल पाएगी, और यहाँ पर इस गन का पावर आप मैक्सिमम यहाँ पर तय कर पाओगे, यानी कि आप पता कर पाओगे कि यह गन अच्छी है या बुरी है। तो गाइस, सभी चीज़ के बारे में कवर करने वाले, क्या करना है वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस चलिए बिना रुकावट के यहाँ पर हमारे छोटे से इंट्रो के बाद हमारी इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है और आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि जो न्यू फ्री फायर में गन ऐड हुई है उसको क्या हम एक्समेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो भी सही है, तो ये गन है उसको हम एक्समेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट मिनिमम 5% तक का यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसका कंपेयर नहीं किया सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ आगे पीछे हो सकता है डैमेज, कुछ यहाँ पर ऊपर की ओर एक प्लस यहाँ पर जो डैमेज रेट होता है, रेट ऑफ फायर रेट होता है, रेंज यहाँ पर रेट होता है, वो यहाँ पर एक या दो अंक से आगे पीछे होते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 5% तक का यहाँ पर इससे कंपेयर किया जा सकता है। गाइस, बात करते हैं फर्स्ट बॉल टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉल टिप्स एंड ट्रिक है रिकॉल को कंट्रोल कैसे करें। तो गाइस, यहाँ पर इस गन में रिकॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यू गन आती है उसमें रिकॉल रेट यहाँ पर ज़्यादा होता है, बट उसको यहाँ पर हमें कम कैसे करना है, यानी कि हमें उसको मेंटेन कैसे रखना है। तो गाइस, यहाँ पर रिकॉल को यहाँ पर आप ही देख लो, यहाँ पर मैं गोलियाँ चल रहा हूँ तो थोड़ी गोलियां यहां पर आगे पीछे हो रही है, मिनिमम 7-8 गोलियां परफेक्ट लग रही है, बाद में जो गोलियां हैं वो यहां पर ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, देखो मैं यहां पर सीटअप कर रहा हूं, तो यहां पर सीटअप से होगा क्या, सीटअप से रिकॉइल भी कंट्रोल हो जाएगा, प्लस यहां पर आपकी जो एक्यूरेंसी है वो भी यहां पर बढ़ जाएगी, तो इससे आपका जो हेडशॉट रेट है वो भी यहां पर ओपी वाला हो जाएगा इस गन में। इसलिए आपको रिकॉल को कंट्रोल कैसे करना है, आपको कुछ करना नहीं है, मिनिमम 7-8 गोलियां चलानी है एनिमी पर। अगर एनिमी को हेडशॉट नहीं लगा और बॉडी डैमेज यहां पर लग रहा है तो आपको क्या करना है, सीटअप लगाने के बाद फिर से यहां पर उसके ऊपर यहां पर एम लगा देना है, तो इजीली उसको आसानी से आप हेडशॉट यहां पर लगा पाओगे, तो इजीली एनिमी को भी यहां पर आप खत्म कर पाओगे। तो गाइस, क्या करना है जैसे बताया वैसे इसको यहां पर फॉलो करना है। गाइस, अब बात करते हैं इस वीडियो की सेकंड टिप्स के बारे में। तो यहां पर सेकंड टिप्स है एडवांटेज ऑफ AUG। तो गाइस, यहां पर इस गन का एडवांटेज क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो गाइज, फर्स्ट बोलते हैं यहाँ पर इसके जो रेट ऑफ फायर है इस गन का वो बहुत ओपी वाला है। गाइज, यहाँ पर स्पीड में यहाँ पर आप गोलियाँ चलाना चाहो तो इस गन का यहाँ पर रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है, आप आसानी से यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड में भी गोलियाँ चला सकते हो। और गाइज, यहाँ पर जो इसका डैमेज रेट है वो भी यहाँ पर ओपी वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बॉडी शॉट यहाँ पर लगाना चाहो तो बॉडी शॉट यहाँ पर 31 का यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर देखो 31 का आप बॉडी शॉट लगा सकते हो, यानी कि या तो 31 का यहाँ पर बॉडी शॉट लग रहा है तो इस गन को आप यहाँ पर मिड रेंज में यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रेंज में भी ये बिना स्कोप के यहाँ पर अच्छी खासी डैमेज दे लेती है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग रेंज में कम से कम थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और गाइज, एक बात और बोल दूँ, जब आप लैंडिंग कर रहे होते हो और लैंडिंग करने वक्त यहाँ पर आपको और कोई गन नहीं मिली और AUG मिल गई, तो गाइस इससे भी यहाँ पर आप अपना काम चला सकते हो। शॉर्ट रेंज में भी ये गन काफ़ी अच्छा खासा डैमेज निकाल लेती है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में भी ये 31 का डैमेज निकालती है, तो अपोनेंट एनिमी के पास यहाँ पर MP40 नहीं हुई तो यहाँ पर AUG गन आपके पास हुई तो अपोनेंट एनिमी को आप आसानी से यहाँ पर किल कर दोगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डैमेज रेट है वो यहाँ पर बहुत ओपी वाला है। और गाइस, यहाँ पर इसका एक और वन मोर यहाँ पर एडवांटेज है, वो एडवांटेज है यहाँ पर इसका हेडशॉट रेट। तो गाइस, इसका जो हेडशॉट है वो यहाँ पर 170 का यहाँ पर हेडशॉट निकालती है, तो इजीली यहाँ पर आपके पास अगर हेडशॉट का यहाँ पर पूरा अच्छा खासा यहाँ पर ज्ञान है
कि हेडशॉट कैसे लगाना है। तो इजीली आप यहाँ पर हेडशॉट मारना चाहो इस गन से अपोनेंट एनिमी को, तो यहाँ पर इजीली देखो यहाँ पर मार सकते हो, क्योंकि इसका जो हेडशॉट रेट है वो काफ़ी ओपी वाला है। 170 का हेडशॉट लगाती है तो मिनिमम एनिमी के पास 30 यहाँ पर एचपी बचती है, तो आसानी से आप किल कर सकते हो। गाइज अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। सो हमारे आखिरी टिप्स एंड ट्रिक है हेडशॉट। तो गाइज इस गन से आपको हेडशॉट कैसे लगाना है उसके बारे में बता देते हैं। तो गाइज इस गन से आपको हेडशॉट लगाने के लिए फर्स्ट तो यहाँ पर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना होगा। अगर रिकॉइल कंट्रोल नहीं करोगे तो हेडशॉट भी इजीली नहीं लग पाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिकॉइल कंट्रोल करना है। अब आपको हेडशॉट कैसे लगाना है, तो एनिमी की यहाँ पर पोजीशन है वो यहाँ पर आपको चेक करनी है। एनिमी यहाँ पर स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है या फिर लेफ्ट साइड जा रहा है या फिर राइट साइड जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो एनिमी यहाँ पर स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा था, तो मैंने यहाँ पर 170 का उसको इजीली हेडशॉट लगा दिया। अब एनिमी अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड जा रहा होता है तो तभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपना जो लेफ्ट फायर हमारा जो फायर बटन है उसको यहाँ पर उस साइड ले जाना होगा। यानी कि यहाँ पर एनिमी लेफ्ट साइड जा रहा है तो आपको लेफ्ट साइड ले जाना है, एनिमी राइट साइड जा रहा है तो आपको फायर बटन को राइट साइड ले जाना है। ऐसे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप यहाँ पर ट्रेनिंग मोड या फिर यहाँ पर क्लैश कोड है उसमें भी यहाँ पर कर सकते हो। तो गाइस जो आज की वीडियो थी वो इतनी ही थी और कुछ नहीं था, जो मैंने तीनों टिप्स एंड ट्रिक थी वो यहाँ पर आपको बता दिए। सो आई होप कि आपको ये जो तीनों टिप्स एंड ट्रिक है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारने के बाद पास में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।